आज डिस्कस करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में। प्लांट लेआउट क्या होता है और ये हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो प्लांट लेआउट है क्या? प्लांट लेआउट है कि अगर आप कोई भी प्लांट लगाते हैं, मान लीजिए वो किसी चीज़ का भी प्लांट है, आप न्यूज़पेपर बनाने का प्लांट लगाते हैं, कोई कपड़े का प्लांट लगाते हैं, कपड़ा अगर मैन्युफैक्चर हो रहा है वहाँ, कोई भी जो टॉयज मैन्युफैक्चर प्लांट है या फिर इंडस्ट्रियल जो प्लांट हैं, कोई भी प्लांट आप लगाते हैं, तो एक गुड प्लांट लेआउट होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट लेआउट मतलब कि जो हमारी मशीन्स हैं या मैन पावर है या हमारी जो भी और चीज़ें हैं, अदर जो चीज़ें हैं, मीन्स कोई भी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको एक लेआउट के अंदर अरेंज करना ताकि हम उनका यूजफुल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो वो क्या है एक प्लांट लेआउट? जैसे आप एक घर बनाते हैं तो उसमें हर रूम को अलग-अलग तरह से आप डिज़ाइन करते हैं और अलग-अलग उसका यूज़ होता है। तो इसी तरह प्लांट लेआउट के अंदर भी इस तरह ही हमें काम करना होता है कि एक प्लांट लेआउट हमें इस तरह का बनाना है ताकि क्या हो, कम से कम मूवमेंट हो मटेरियल की। जो मटेरियल है उसकी मूवमेंट क्या हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही कम से कम मूव करे मेटल। मान लीजिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा जो रॉ मटेरियल है जिसका हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, तो हमें जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल आएगा, मान लीजिए यहाँ से रॉ मटेरियल आया, ये एक हमने एक प्लांट लेआउट एग्जाम्पल के लिए बनाया है कि रॉ मटेरियल हमारा आया जो हमारे ट्रक में लोडेड है, तो वो आया, वो ऑफिस के पास आएगा, यहाँ पे ऑफिस होगा, एक जनरल सा एग्जांपल हमने लिया है, तो ऑफिस उस रॉ मटेरियल, जो ऑफिस में पर्सन्स हैं उस रॉ मटेरियल को देखेंगे और उसको आगे भेजेंगे, तो आगे जाएगा वो अनलोडिंग सेक्शन के पास, यहाँ पे अनलोडिंग होगी, यहाँ पे वो जो ट्रक हैं जिनके अंदर रॉ मटेरियल है वो अनलोड होगा और उसको उतारा जाएगा, यहाँ पे होगी रॉ मटेरियल की स्टोरेज, तो रॉ मटेरियल को स्टोर कर लिया जाएगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर हो गया, तो रॉ मटेरियल को आगे अब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, तो उसके आगे जस्ट है प्रोसेसिंग कि जो भी हमारी मशीनरी है तो वो यहाँ पे है कि जो जो अलग अलग तरह की मशीनरी है यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को भेज दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू जो मशीनरी हमने ये स्टेप वाइज लगाई है कि पहले कटिंग होगी, फिर बेंडिंग होगी, फिर उसकी जो भी हमें असेंबली करनी है या उसको पैकेजिंग करनी है, तो वो सारा यहाँ पे होगा। तो क्या हुआ, देखिए कितनी कम मूवमेंट है मटेरियल की, तो जितनी कम मटेरियल की मूवमेंट होगी उतना ही टाइम बचेगा, हमारी मैन पावर बचेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। रॉ मटेरियल आया, उसको अनलोड किया गया, अनलोड करने के बाद स्टोर किया गया, स्टोर करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पास या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आ गया, उसको फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी टेस्टिंग हो गई, यहाँ पे क्वालिटी टेस्टिंग की गई, क्वालिटी टेस्टिंग के बाद उसको स्टोर कर दिया गया, तो यहाँ पे उसको फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया गया। अब जो फाइनल प्रोडक्ट को स्टोर कर दिया गया, उसको स्टोर करने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ से शिपिंग कर सकते हैं। शिपिंग मीन्स हम उसको बाहर भेज सकते हैं जहाँ पर भी हमें उसको भेजना है। उसके बाद यहाँ पे स्टोर ऑफिस है जो कि इसका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उस वर्क को ये यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, कितनी हमें यूनिट स्टोर करनी है या कितना हमें बाहर भेजना है, तो यहाँ पे या सारा स्टोर किया हुआ जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे सैंपल अगर हमें कोई चाहिए क्वालिटी टेस्टिंग के लिए हमें अलग निकालने हैं, तो यहाँ पे सैंपल हाउसिंग भी हम बना सकते हैं कि कुछ सैंपल्स हम यहाँ फिनिश्ड प्रोडक्ट से डायरेक्टली ले सकते हैं या क्वालिटी टेस्टिंग से डायरेक्टली ले सकते हैं जिनकी हमें टेस्टिंग करनी है, या सैंपल हमें किसी को दिखाने हैं तो वो सैंपल रूम हम अलग से बना सकते हैं। उसके बाद जो सारा ये काम हुआ है ये मैनेज और कंट्रोल होगा, मैनेजिंग और कंट्रोलिंग होगी यहाँ पे, उसका टोटल जो रिकॉर्ड है कि कितना रॉ मटेरियल आया, कितना हमें बाहर भेजा, तो सारा कुछ यहाँ पे मैनेज एंड कंट्रोल एक रूम होगा, उसके अंदर सभी डॉक्यूमेंटेशन, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ वर्क
यहाँ पे इकट्ठे होंगे और यहाँ पे उसका मैनेजिंग और कंट्रोल किया जाएगा, पूरे बिल्स जो होंगे कि जो बिल हैं, जो रॉ मटेरियल है, जो शिपिंग है, सब कुछ यहाँ से कंट्रोल होगा। इन्हीं के साथ हमारा अटैच होता है टूल रूम, बीच में टूल रूम है। टूल रूम मीन्स अगर हमारी जो प्रोसेसिंग यूनिट है ये इसके साथ अटैच है, या हमारा जो भी हमें रिक्वायर्ड जो जानकारी देनी है इस रूम को हम दे सकते हैं कि जो प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अगर कोई टूल ख़राब है, रिप्लेस करना है, उसको बदलना है या नया लाना है, तो वो सारा टूल रूम के थ्रू होगा। टूल रूम के अंदर सारी चीज़ें होंगी हमारी, जो भी हमारे रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग के लिए चीज़ें होती हैं, जैसे टूल्स हो गए या कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट जो मशीनरी के अंदर यूज़ होगी, तो हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। तो वो प्रोसेसिंग यूनिट के साथ अटैच होगा या मैनेजिंग कंट्रोल के साथ यहाँ भी अटैच होगा। तो ये दोनों का रिकॉर्ड यहाँ पे, जितना यहाँ पे टूल आएगा यहाँ पे वो रिकॉर्ड होता रहेगा। तो इस तरह से एक गुण जो प्लांट लेआउट है उसमें क्या है कि मिनिमम मटेरियल की मूवमेंट हुई, मिनिमम जो है हमारी जो लेबर है उसकी मूवमेंट हुई, और सेफ्टी इसके अंदर मेन जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि सेफ्टी रहेगी। क्योंकि अगर हम उसको स्टेप वाइज मशीनरी को अगर हम लगाते हैं तो सेफ्टी बनी रहती है और एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो साइकिल है, रॉ मटेरियल को आया, स्टोर किया, उसको हमने प्रोसेसिंग की, फिर उसको हमने टेस्टिंग की, और फिर उसको स्टोर किया, और फिर शिपिंग किया, तो एक स्मूथ साइकिल है। तो इस तरह का जो प्लांट लेआउट है तो उसके अंदर ये कुछ प्रिंसिपल्स हमारे काम आते हैं कि मटेरियल मूवमेंट की कम से कम जो मूवमेंट है मटेरियल की वो कम से कम हो, लेबर की मूवमेंट कम से कम हो, और सेफ्टी का उसमें ध्यान रखा जाए, फ्लो जो है मटेरियल का इजीली हो और जो प्रोडक्ट का फ्लो हो वो इजीली हो। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो प्रिंसिपल हैं प्लांट लेआउट में देखे जाते हैं। अगर हमें बाद में इसका इंटीग्रेशन करना है, मीन्स और नई मशीनरी ऐड करनी है, तो उसके लिए जैसे प्रोसेसिंग यूनिट है बाहर से बाहर हम उसमें ऐड कर सकें, तो इंटीग्रेशन के चांसेस हों, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूचर स्कोप भी इस प्लांट लेआउट को बनाया जाता है। तो ये गुड प्लांट लेआउट है जो कि एक इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, उसके टाइम को बचाता है और उसकी लेबर को भी जो कम मूवमेंट देता है, और वो रिलैक्सेशन जो है इसका एनवायरनमेंट है, एटमोसफियर है, वो अच्छा बना रहता है। तो ये है एक प्लांट लेआउट। आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हम जनरली इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये था प्लांट लेआउट। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।